हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैगजोन गियर अप विद अस। तो ये आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, जहां पर हम लोग अपने गेट 2020 के लिए सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट पोर्शंस और जो मोस्ट डिमांडिंग सेक्शंस हैं उनका डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहे थे। तो अभी तक इसके पहले हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कशन आपके साथ कर लिया कि उसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जैसा कि आपको पता है कि एज अ सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में नहीं होता, इसका सिर्फ एक पार्ट कुछ जगहों पर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है, दैट इज ऑपरेशनल रिसर्च। तो ऑपरेशनल रिसर्च वो भी फाइनल ईयर में कुछ कॉलेजेस में रहता है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो कुछ लोग इसे ऑप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग इसे ऑप्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो हमारे करिकुलम में नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करके हाँ, ये सब्जेक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, मतलब ये कंपल्सरी टाइप का सब्जेक्ट होता है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में काफ़ी लोगों को इसलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि दे हैव नॉट स्टडीड इट एज अ रेगुलर सब्जेक्ट, जैसे हमने थर्मो, टोम, सोम, एमडी, एफएम, मशीनरी, ये सारी चीज़ें एज अ रेगुलर सब्जेक्ट की तरह हमने इसका एनालिसिस किया है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें अपना इसके लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर इसीलिए हमें दिक्कत आती है क्योंकि हमने इसे एज अ रेगुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वेंटरी। ऑलराइट, तो इन्वेंटरी में से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार प्रोडक्शन मॉडल में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब किसी पी रेट से प्रोडक्शन हो रहा है, डी उसका डिमांड रेट है, तो जो मैक्सिमम इन्वेंटरी होती है क्यू इंटू पी माइनस डी अपॉन पी, पी इज द प्रोडक्शन रेट, डी इज द डिमांड रेट या फिर कंजम्पशन रेट। तो इस वाले मॉडल में, दैट इज प्रोडक्शन मॉडल में, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को ये इस पर्टिकुलर मॉडल में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको क्या चीज इवेल्युएट करनी पड़ेगी, या तो मैक्सिमम इन्वेंट्री या फिर आपको क्यू स्टार, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज अंडर रूट टू डी सी नॉट अपॉन सी एच पी अपॉन पी माइनस डी। ठीक है, तो ये होता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन केस ऑफ प्रोडक्शन मॉडल। तो प्रोडक्शन मॉडल में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर एक कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल, विच इज़ नथिंग बट लीड टाइम इंटू डी, लीड टाइम इंटू डी। तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेशन पर भी एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आपको रीऑर्डर लेवल इवैल्यूएट करना होगा। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि इन्वेंट्री घटते घटते एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगी जब आपको उसे फिर से दोबारा ऑर्डर करके मंगाना होगा, और जब जिस दिन आपने ऑर्डर किया उस दिन से लेकर जिस दिन आपके हाथ में ऑर्डर रिसीव हुआ उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द साइकिल टाइम। ठीक है, उसको कहते हैं साइकिल टाइम, वो दिखाया जा, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल पर भी आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फॉरकास्टिंग चैप्टर में से, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर ऑन फॉरकास्टिंग, तो वी विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला, अल्फा इंटू डी ऑफ टी माइनस वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा इंटू डी ऑफ टी माइनस टू प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डी ऑफ टी माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो ये होता है आपका, अल्फा क्या होता है, स्मूदिंग कांस्टेंट या स्मूदिंग कोफिशिएंट भी कुछ जगहों पर कहा जाता है, ठीक है। एफ इज द फॉरकास्टेड वैल्यू, डी इज द डिमांड वैल्यू। तो यहां पर ये एक पोर्शन है जिसमें से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको देखने को मिल सकता है अपना एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर यहां से बात करें तो एक आपको मिल सकता है कैलकुलेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन,
ठीक है? तो टैबुलर आपको यहां पर एक टेबल बनाकर इसको ऐसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन भी मीन एब्सोल्यूट डिविएशन को मिल सकता है, ठीक है? तो मीन एब्सोल्यूट डिविएशन क्या होता है? एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो मॉड लगाना पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ डी आई माइनस एफ आई अपॉन एन, ये होता है आपका, और यहां मॉड लगा लीजिए, तो मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, ठीक है? मीन एब्सोल्यूट डिविएशन होता है, मीन फॉरकास्ट एरर होता है, सारी चीजों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक टेबल के फॉर्म में मतलब डेटा को ऐसे दिया रहेगा, उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका, कैलकुलेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट डिविएशन या मीन फॉरकास्ट एरर या एब्सोल्यूट फॉरकास्ट एरर, ये सारी चीजें आप लोग को पूछी जा सकती हैं। फिर एक क्वेश्चन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि होगा आपके मैच द कॉलम टाइप में, जहां पर आपको तीन कॉलम्स होंगे, एक जगह इन्वेंट्री लिखा होगा, दूसरी जगह होगा उसका परसेंटेज केप्ट, और तीसरे में होगा उसका यूजेज, ठीक है? तो यहां पर आपको पता है तीन टाइप की इन्वेंट्री होती है, जैसे एबीसी एनालिसिस की बात करें तो ए बी सी यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आपको मैच कराना है। दिस इज, मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है, दिस इज सेकेंड कॉलम है, दिस इज थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम का ए बी सी डी ई एफ, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर इस बार हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जैसे इन्वेंट्री, उसका परसेंटेज कितना रखा जाता है और उसका एक्चुअल यूजेज कितना होता है, तो ये ऑपोजिट होता है। अगर आपको याद हो एबीसी एनालिसिस में, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा रखेंगे उसका यूजेज सबसे कम होगा, और जिसको सबसे कम रखेंगे उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है? तो यहां पर आपको ये मैच द कॉलम टाइप का ऐसा क्वेश्चन जरूर है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अगर हम लोग यहां पर बात करें अबाउट द चैप्टर ऑफ पर्ट एंड सीपीएम, ठीक है? पर्ट एंड सीपीएम की अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो आप लोगों को यहां से इस बार जो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है? एलजे, ईजे, ईजे माइनस 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 ईआई, ई आई, ई जे, सॉरी एल जे, सॉरी एल आई प्लस टी ऑफ आई जे प्लस टी ऑफ आई जे प्लस टी ऑफ आई जे। तो टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट आपके यहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, यहाँ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये अर्लीएस्ट फिनिश टाइम, ये लेटेस्ट फिनिश टाइम, यहाँ पर आपको सब दिए रहेंगे। हेड इवेंट का मतलब टेल इवेंट का दिया रहेगा डेटा, और हेड इवेंट का दिया रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट या इनमें से किसी दो का रेशियो, या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लोट टू द फ्री फ्लोट, मतलब इस टाइप से कुछ भी एक रिलेट करके क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहां से इस बार हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपका टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट के ऊपर होने ही वाला है, ठीक है? तो इसको आप लोग जरूर से करके जाइएगा, ये आपका काफी यहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया, ठीक है? ये काफी एक आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया जिसको आपको लीव नहीं करके जाना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग चैप्टर भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंसिंग चैप्टर में आपका जॉनसन्स एल्गोरिदम को यूज करके आपको डिटरमाइन करना होता है प्रोसेसिंग ऑर्डर, ठीक है? प्रोसेसिंग ऑर्डर, जैसे यहां आपका होता है मशीन वन, ये हो गया आपका मशीन टू, ठीक है? ऐसे डेटा दिया रहता है, दिस इज जॉब वन, दिस इज जॉब टू, ठीक है? जॉब थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, तो यहां पे आपको प्रोसेसिंग टाइम दिए रहते हैं। तो जॉनसन्स एल्गोरिदम को यूज करके हम ये डिसाइड करते हैं ऑप्टिमम सीक्वेंस में कि सबसे पहले कौन सी जॉब का किस मशीनिंग पे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं उसका
टार्डिनेस निकालते हैं और ये सारी चीजें, वो तो बाद की होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्टिमम सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या होगा दोनों मशीन्स पर फॉर एन नंबर ऑफ जॉब्स, कितनी भी जॉब्स हो सकती हैं लाइक, ठीक है। तो यहाँ ये हो गई, दो मशीन्स के लिए हो गया, ठीक है। तो ये भी पोर्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को लीव नहीं करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यू विल गेट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल। तो क्यूइंग मॉडल क्या मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैं बता दूं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो सबसे पहले अराइवल पैटर्न होता है, फिर सर्विस पैटर्न होता है, नंबर ऑफ सर्वर्स विद इन द सिस्टम, फिर जैसे होता है एम एम वन फीफो इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो अराइवल पैटर्न मार्कोवियन, ये एम का मतलब मार्कोवियन, सर्विस पैटर्न नंबर ऑफ सर्वर्स विद इन द सिस्टम, सर्विस रूल, फिर साइज ऑफ द सिस्टम होता है, साइज ऑफ द कॉलिंग पॉपुलेशन होता है। तो इस चीज पर भी आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल में इन में से किसी भी एक का मीनिंग आपसे पूछ लेंगे कि वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या होता है अराइवल पैटर्न, फिर सर्विस पैटर्न, फिर मतलब अराइवल पैटर्न होता है, फिर सर्विस पैटर्न या तो एक एक्सपोनेंशियल हो सकता है, दूसरा पॉइजन हो सकता है, ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, सी इज द नंबर ऑफ सर्वर्स विद इन द सिस्टम, फिर सर्विस रूल, साइज ऑफ द सिस्टम एंड साइज ऑफ द कॉलिंग पॉपुलेशन। तो ये यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूइंग मॉडल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूइंग मॉडल, ये आपका काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम लोग इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको पता है हंगेरियन मेथड से सॉल्व किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन मेथड आपका किया जाता है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन से, लीस्ट कॉस्ट मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, ठीक है, या रो मिनिमा मेथड से, कॉलम मिनिमा मेथड से। तो मोस्टली हम लोग इसमें वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन का ही यूज करेंगे अंटिल एंड अनलेस अगर स्पेसिफाई होता है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए यू मे फाइंड असाइनमेंट प्रॉब्लम हियर, 1 2 3, ठीक है, तो लाइक 4 7 3 2 8 1 1 9 0। तो इस टाइप से आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज करनी है, मतलब सॉल्व करनी है बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। तो सबसे पहले सब्सट्रैक्ट रो मिनिमा, फिर कॉलम मिनिमा, फिर आप देखिए कि कितने जीरोज हैं, सारे जीरोज को आप कवर करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाइए। तो वो प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हंगेरियन मेथड को यूज करके असाइनमेंट प्रॉब्लम यू कैन सी वन प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। लास्ट जो है हमारा यहाँ पर आपको मिलेगा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन के बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आपकी कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन, इस टाइप का एक एमटीसी देखने को मिलेगा, मैच द कॉलम, या फिर हो सकता है आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी, इसमें बेसिकली यही होता है। लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा और एक लाइन में सॉल्व होने वाला होगा। जैसे मान लीजिए आपके बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स का स्लोप बराबर दे दिया, या बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स का स्लोप आपका कुछ भी मतलब दे दिया, तो जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फीजिबल सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है, कोई फीजिबल सोल्यूशन होगा या अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा, या आप कोई कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस बार यहां से मिलने वाली हैं, ठीक है। यू मे फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन योर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेक्शन, ऑलराइट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने हर फ्रेंड तक पहुँचाइए जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हैं, या मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन हमने किया है जो कि आपके गेट 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाईली डिमांडिंग है इस बार 2020 के लिए, ऑलराइट। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, एंड आप इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।